मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। औक्षमिकच्छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदैक पारिणामिको च द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे। यहाँ तक तीन सूत्र अपने अभी तक हो चुके हैं। तीसरे सूत्र की व्याख्या अध्याय दो के सूत्र नंबर तीन की व्याख्या अपनी चल रही है और उसके अंतर्गत कल हमने सम्यक दर्शन प्राप्ति का क्या प्रोसेस है, उपशम सम्यक दर्शन किस प्रकार होता है, औपशमिक भाव क्या है, यह सब समझने का प्रयास किया था और उसी में पांच लब्धियों की चर्चा की थी। तो आइए कोई दो चार प्रश्न उत्तर पहले आप लोगों से कर लें, आप कितना सुन पा रहे हैं उसके लिए। तो हमारे यहाँ से होस्ट नाम पुकारेंगे, वो लोग यहाँ पर उत्तर दें। पहले तो आप सूत्र निकाल लें अपनी अपनी पुस्तक में, सूत्र देखकर बोलें, याद हो तो बिना दोषे बोलें। हाँ संध्या दीदी, पांच लब्धियों के नाम बताइए। हाँ नमस्ते। शैवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। बहुत अच्छा। फेरी, फेरी दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र उच्चारण कीजिए। नमोस्तु मुनिश्री जी। मुनिश्री मुनिश्री एक औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिको च। अच्छा बोला आपने, इसमें थोड़ा सा सुधार करना है। औपशमिक छायिको का पे स्वराघात करते हुए छ बोलना। जी मुनिश्री औपशमिको छायिको। नहीं 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 औपशमिको नहीं, देखो सुनिए एक बार, औपशमिक छायिको औपशमिक जी बोलिए औपशमिक छायिको। नहीं नहीं क पे स्वराघात करते हुए छ बोलना है। औपशमिक छायिको औपशमिक छायिको भावो बोलिए भावो भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिको च। बोल रहे हैं वो सामने के लिए। ठीक है बहुत अच्छा है, आगे। नमस्ते मनुष्य। 1008 नंबर डाला है डिवाइस पर, किसका है वह उत्तर देंगे, दूसरा सूत्र बोलेंगे। कुशल है, कुशल। ठीक है अगला कोई है वो सूत्र बोले। आशा दीदी, आशा दीदी अध्याय दो का दूसरा सूत्र बोलिए। जी नमस्ते। दूसरा सूत्र औपशमिको छायिको द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। बहुत अच्छा। आगे काजल बहन, काजल बहन से प्रश्न है कि ये पांच लब्धियां जो होती हैं क्या सभी जीवों को होती है? जी नहीं। नमोस्तु मुनिश्री। नहीं मुनिश्री। फिर किसको होती है? जो भव्य है उन्हीं को। अच्छा सभी भव्यों को होती है?
जिनके काल लब्धि आई है उन्हीं को। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब, आशीर्वाद। चार लब्धियां तो भव्य और अभव्य सभी जीवों को होती है, किंतु जिनकी काल लब्धि आई है, जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है, उन्हीं के भव्य जीवों को लब्धि की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। जयश्री जैन के नाम से डिवाइस से तीसरे सूत्र का उच्चारण करिए। गुरुदेव ज्ञान दर्शन सॉरी सम्यक चारित्रे। बहुत अच्छा, सम्यक चारित्रे। जयश्री बहन, ये सम्यक चारित्र किसके भेद है? जी गुरुदेव, चारित्र कौन से भाव के भेद है? चारित्र ये शाही को भाव के नहीं। चलिए अभी फिर से प्रयास कीजिएगा आगे। आवाज आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। निगम बाला जी प्रश्न का उत्तर देंगी। हाँ जी। हाँ, उपशम औपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं? औपशमिक भाव के जी दो। नमस्ते मनीषी, दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, बिल्कुल बहुत सही उत्तर है आपका। दो भेद होते हैं। आर के जैन एंड अनिता जैन जी के नाम से डिवाइस है। जी। उत्तर भेद छायिक भाव के उत्तर भेद कितने हैं? दो भेद होते हैं। नहीं, जिनका बाकी लोग अपने म्यूट रखिए। हाँ आर के जी बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, है ना। अनिता जी प्रयास करेंगी। रुष्मा जैन जी के नाम से डिवाइस है, वो बोलेंगे छायिक भाव के कितने उपभेद होते हैं, उत्तर भेद? दो भेद। गुरु नमस्ते गुरुदेव जी, कितने भेद होते हैं? दो। संयोगम के पांच? नहीं नहीं, देखिए गलत है। देखिए सब लोग ध्यान से सुनिएगा एक बार। पहला हमने सूत्र पढ़ा था पांच भाव, है ना, औपशमिक छायिक छायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक, ये पांच भेद थे। फिर हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रमम अर्थात जिस जिस क्रम से हमने भाव के नाम लिए हैं उसी उसी क्रम से उनके यह भेद हैं। द्वि अर्थात दो, औपशमिक भाव के दो भेद। फिर नव अर्थात नौ होते हैं, तो दूसरा कौन सा बोला? छाई को छाई भाव, तो छाई भाव के नौ भेद, है ना। द्वि नवाष्ट, फिर अष्टादश, अष्टादश होते हैं, दस और आठ मिलाकर अठारह, तो अठारह भेद किसके होंगे? तीसरा मिश्र, है ना, छायोपशमिक भाव के अठारह भेद। फिर आता है क्रम औदयिक, तो औदयिक के कितने होंगे? तो एक विंशति अर्थात 21 भेद। फिर पांचवा भाव है पारिणामिक, तो पारिणामिक भाव के कितने भेद होंगे? त्रि अर्थात तीन। तो हमको इस क्रम से याद रखना होंगे, है ना, औपशमिक छायिक छायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक, ये पांच भाव हमने पढ़े। औपशमिक के दो भेद, छायिक के नौ भेद, छायोपशमिक के अठारह भेद, औदयिक के 21 भेद और पारिणामिक के तीन भेद। ये जो दूसरे सूत्र का अर्थ वो ही है जो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने आज यहाँ पर फिर से रिपीट किया। कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पुनः प्रयास कीजिएगा, कल पुनः प्रश्न उत्तर हम करेंगे, है ना। चलिए और कोई नाम बचा? हाँ आगे हो तो एक तो नाम लिए। संदीप पंचोरी जी के नाम से डिवाइस है, यदि वो उत्तर देना चाहें तो फिर से प्रश्न करता हूं। औदयिक भाव के कितने भेद हैं? अभी जो हमने बताया उसी में से बताना है, शायद वो नए जुड़े हैं या फिर डिवाइस पर नाम चेंज है। सुमन जी पाटनी हमारी आवाज सुन रही होंगी, सुमन जी बताएंगी औदयिक भाव के कितने भेद हैं।
डॉक्टर दो भेद है, दो नहीं इक्कीस ऑप्शन में क्या दो है, औदयिक के इक्कीस। कोई बात नहीं, सामने है, एक बार फिर से देखिए। हाँ ऑप्शन के दो, क्षायिक के नौ, मिश्र के अठारह, औदयिक के इक्कीस और पारनामिक के तीन। हाँ ये सुमन जी ने अभी पढ़कर बताया है, उनने बाद में सही बताया औदयिक के इक्कीस है, पर ये औदयिक और ऑप्शनिक के ओ होने के कारण शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ वो एकदम गड़बड़ हो गई। ठीक है सब अपना अपना म्यूट कर लीजिए, तो हम आगे विषय की ओर चलते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे पांच भेद और प्रत्येक के दो नौ अठारह इक्कीस तीन, इस प्रकार से क्रमशः हमने जाने। फिर हमने सूत्र पढ़ा था सम्यक्त चारित्र्य, तो सम्यक्त चारित्र्य अर्थात औपशमिक भाव के दो भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र्य। फिर हमने उसका प्रोसीजर समझा था कि किस प्रकार उपशम होता है, जीव अंतःकरण करके अंतरकरण करके और उपशम को प्राप्त होता है और पांच लब्धियां होती हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। और करण लब्धि में जीव के विशेष तीन प्रकार के परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। और अनिवृत्तिकरण का कुछ भाग जब शेष होता है तब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। वह किस प्रकार करता है वह हम थोड़ा सा यहाँ समझ कर अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे। यह कर्म निषेध की रचना है कर्मधारा। अभी हम सिर्फ यह मिथ्यात्व को समझ रहे हैं, जो सम्यक दर्शन, जो मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करता है। पहले हम समझ चुके हैं कि चार लब्धियां सभी को होती हैं, दिख रहा है आप लोगों को, चार लब्धियां सभी को होती हैं, किंतु भव्य जीव को ही करण लब्धि प्राप्त हो सकती है। कब होती है, तो जब उसकी काल लब्धि आती है तब होती है ना। तो पहले हम उपशम की बात करें, जो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है उसने, जिसने अभी तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है और उसे अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का मतलब कर्मों की स्थिति हुई, तो उसको क्षयोपशम हुआ, क्षयोपशम के कारण परिणामों की विशुद्धि हुई, परिणामों की विशुद्धि होने पर उसका धर्मानुराग के प्रति रुचि हुई और वह गुरु के समीप गुरु मिले, गुरु से उसको देशना प्राप्त हुई और देशना प्राप्त होने के बाद जो गुरु से उसने उपदेश तत्व के स्वरूप को समझा उसके लिए वह चिंतन मनन करने बैठा, प्रायोग्य लब्धि। और प्रायोग्य लब्धि के बाद जब और परिणाम विशुद्धि होती है तो करण लब्धि होती है। करण लब्धि में तीन प्रकार के परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, है ना। तो वह परिणामों की विशुद्धि होती है, तो ये देखिए कर्मों की धारा है। कर्मों की धारा में मान लीजिए उसके यहाँ अधःकरण परिणाम हुए और समझते हैं, ये अधःकरण परिणाम हुए, अपूर्वकरण परिणाम हुए और ये अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम चल रहे हैं। अधःकरण यहाँ पर हुए, यहाँ अपूर्वकरण, यहाँ अधःकरण परिणाम हुए, यहाँ अपूर्वकरण हुए, यहाँ अनिवृत्ति रूप परिणाम चल रहे हैं और ऊपर अभी कर्मों का आवागमन चालू है। तो अनिवृत्तिकरण परिणाम में यहाँ देखिएगा, अनिवृत्तिकरण परिणाम का जब कुछ भाग शेष रह जाता है तब मान लीजिए ये कुछ भाग यहाँ शेष रहा है, तब वह विशेष परिणामों के द्वारा विशेष परिणाम विशुद्धि के द्वारा वह जीव क्या करता है, ये जो मिथ्यात्व है, ये जो मिथ्यात्व की धारा चल रही है उस मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर देता है और टुकड़े टुकड़े करके वह सम्यक दर्शन के सम्मुख होता है। नहीं मैं दिखाऊंगा ना, मैं लिख रहा था, है ना, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। और यहाँ करेगा वह अंतरकरण।
जो कल हमने समझा था, है ना। सबसे पहले उसके आधार कारण परिणाम हुए, परिणाम की विशुद्धि और बढ़ी, अपूर्व अपूर्व परिणाम हुए, अपूर्व करण हुआ, और उसके बाद अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण में भी उसके और परिणाम विशुद्धि चल रही है, और अनिवृत्तिकरण का कुछ भाग जब शेष बचा है तब वह अंतःकरण करता है। अंतःकरण कल हमने समझा था, है ना, पुनः रिपीट कर देता हूं। अंतःकरण आप समझ लीजिए कि बीच के कर्म जो थे, बीच का कर्म मान लो ये अंतर मुहूर्त में इतने कर्म उदय में आने वाले हैं, अंतर मुहूर्त में इतने कर्म उदय में आने वाले हैं, तो इन कर्मों की में, इस कर्मों में आठों परमाणु है, पर अभी हम सिर्फ मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जितने मिथ्यात्व के परमाणु थे उसको उसको उत्कर्षण करके ऊपर की ओर डाल दिया, और बाकी को सबको उदयावली में लाकर उदीर्णा करके उनको नीचे ले लिया। तो ये स्थान में इनमें सब में मिथ्यात्व खत्म हो गया। यहाँ पर बीच के स्थान में मिथ्यात्व खत्म हो गया, है ना। ऊपर का यहाँ नीचे से ऊपर ले गए, और पुच को नीचे उदयावली उदयावली में लाकर अर्थात उदीर्ण करके नीचे ले गए परिणामों के पुरुषार्थ से, और कुछ को ऊपर ले गए, तो बीच का स्थान खाली हो गया, अर्थात मिथ्यात्व नहीं रहा। तो जब मिथ्यात्व नहीं रहा तो यह अनिवृत्ति करने परिणाम से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और अंतर मुहूर्त तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। अंतर मुहूर्त तक वहां पर स्थान खाली रहता है, वह अंतर मुहूर्त तक वह उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, है ना। यह और उस समय उसके जो भाव होते हैं वह उपशमिक भाव होते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन के सम्मुख होता है, पांचवी लब्धि जब वो प्राप्त करता है, तब उसके अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। अनिवृत्तिकरण परिणाम में जब कुछ समय शेष रहता है तब वह अंतःकरण करता है। अंतःकरण की विधि हमने यहाँ पर देखी, जो मिथ्यात्व के निषेध, जो कर्मों के निषेध में मिथ्यात्व के पुंज थे, उन सब मिथ्यात्व को कुछ तो ऊपर ला दिया और रोक लगा दी कि अभी तुम नीचे नहीं आना, और कुछ को नीचे उदय में लाकर खिरा दिया, उदय में ले लिया। तो वो इतने समय जो था उतने समय मिथ्यात्व उसके पास नहीं रहा। ऐसे समय में उसको काल लब्धि आने पर, काल लब्धि होने पर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और ऐसे में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक दृष्टि। आया समझ में? तो इस प्रकार जो कल हमने पांच लब्धि के बाद का प्रोसीजर समझा था वह थोड़ा सा प्रोसीजर ऐसा है, है ना। तो बहुत भाग जब अनिवृत्तिकरण का बीत जाता है, थोड़ा सा भाग शेष रहता है, तब यह प्रोसीजर होता है और वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। यह महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले वह प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त करता है। पहली बार होता है इसलिए प्रथमोपशम नहीं। देखिए एक चीज और समझिए, उपशम सम्यक के दो भेद होते हैं। नमस्ते मुनिश्री जी, बीच में पूछ रही हूँ, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये जब मिथ्यात्व के टुकड़े करता है तो ये तीन टुकड़े उस समय होते हैं, प्रकृतियां तीन हो जाती है, मिथ्यात्व के सम्यक मिथ्यात्व। जी जी, उपशम के दो भेद हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, अभी जो हमने प्रोसीजर देखा था वो अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने अभी तक सम्यक दर्शन के सम्मुख नहीं हुआ है, मिथ्यात् प्रकृति के तीन टुकड़े नहीं किए हैं, उसको प्रथमोपशम होता है, और वो असंख्यात बार हो सकता है। और द्वितीयोपशम कब होता है? तो द्वितीयोपशम श्रेणी चढ़ने के सम्मुख, मतलब सातवें गुणस्थान से ऊपर आठ नौ दस ग्यारह के सम्मुख जब जीव होता है तब वह द्वितीयोपशम को प्राप्त होता है। तो अभी अपनी यह द्वितीयोपशम की विवक्षा नहीं है, अभी यहाँ पर प्रथमोपशम की विवक्षा है। अभी अपन प्रथमोपशम पहली बार कब होगा? अनादि मिथ्या दृष्टि को, और वही अनादि मिथ्या दृष्टि अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणामों से मिथ्यात्व जो प्रकृति थी उसके तीन टुकड़े कर देता है ना। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, वह तीन टुकड़े कर देता है, अर्थात खंड खंड कर। देखो सामान्य से माताएं घर के अंदर
जैसे मान लो बूंदी का लड्डू बनाना है तो वो चने की जो दाल होती है, कदले बेड़े कन्नड़ में चने की जो दाल होती है, ग्राम के पीस क्या बोलते हैं चने की दाल को इंग्लिश में, जो भी आप समझ गए, उस चने की दाल को घट्टी में अगर पीसती है तो पहली बार में एकदम पूरा पाउडर नहीं होता है, पहले तो उसके थोड़े कुछ कुछ खंड होते हैं, उत्कर, फिर चूर्ण और फिर बिल्कुल चूर्ण हो जाता है, वह बेसन के रूप में आपको प्राप्त होता है। जब घट्टी चलती है और माता इधर से डालती जाती है, अब तो घट्टी का जमाना नहीं है, तो वह बीच में उस पत्थर के नीचे आकर पिसती जाती है, पिसती जाती है, पिसती जाती है, और बाद में जब चूर्ण होता है, जब उस जो चक्की होती है हाथ की चक्की, उससे सब बाहर गिरने लग जाता है, उसके पहले वह अंदर घूमता है। उसी प्रकार से अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा मिथ्यात्व तो खंड खंड हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं। तो दर्शन मोहनी की प्रकृति होती है मिथ्यात्व, और उसी की उप प्रकृतियां बाद में टुकड़े कर हो जाती है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीन रूप, तीन तीन तरह के वहां पर भेद बन जाते हैं, है ना। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जो प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वह तीन टुकड़े कर देता है। फिर जो दूसरी बार वह असंख्यात, एक बार सम्यक दर्शन छूट गया तो पल्ले का असंख्यात भाग बीतने के बाद उसको पुनः सम्यक दर्शन होता है, तो पुनः सम्यक दर्शन होता है तो उसकी सत्ता में तीन प्रकृतियां होती है, मिथ्या सम्यक, मिथ्या सम्यक प्रकृति, तब वह सात प्रकृतियों का उपशम करता है, है ना। तो उपशम सम्यक दर्शन होता है, वो सादी मिथ्या दृष्टि के, आप इतना डीप में मत समझिए, सामान्य से समझिए, मिथ्यात् के टुकड़े टुकड़े करके वह प्रथम बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और ऐसा असंख्यात बार उस जीव के काल जीवन में आगामी भव में हो सकता है, उस भव में भी हो सकता है। और इसके अलावा ये जो असंख्यात, ये जो चार बार बताया है, वह द्वितीय ऑप्शन की अपेक्षा है, क्योंकि एक जीव अपने मोक्ष जाने के पहले अधिक से अधिक चार बार ही उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, तब वह द्वितीय उपशम करता है। तो उपशम के दो भेद हैं, उपशम और प्रथमोपशम और द्वितीय उपशम। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये काल लब्धि, काल लब्धि हम बार बार सुनते हैं, अभी हमारी काजल बहन ने भी बोला था कि काल लब्धि, कि काल लब्धि क्या विषय वस्तु है, क्या चीज है काल लब्धि। बोलते हैं काल लब्धि आएगी तो हमारा काम हो जाएगा, कि काल लब्धि सब जगह लगाना, या कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा टाइम पीरियड है उसको काल लब्धि कहते हैं, यह प्रश्न हमारे मन में होना चाहिए। कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, देखो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो तत्वार्थ सूत्र का विषय है, हम चाहें तो सिर्फ सूत्र अर्थ सूत्र अर्थ सूत्र अर्थ बताकर भी आपको आगे बढ़ सकते हैं, पर मेरा मानना है कि सूत्र और अर्थ तो सभी बताते हैं, सभी पुस्तकों में भी मिल जाता है, प्राय कर सभी के पास है, पर यह थोड़ा सा डीप में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डीप में यदि हम पढ़ेंगे तो मुझको लगता है कि हमारा ज्ञान वास्ट होगा, हमारी परिणाम शुद्धि ज्यादा होगी, हमको उसका महत्व मालूम होगा। मात्र सम्यक्त चारित्र, ये उपशम के भाव हैं, ये उपशमिक भाव है, इतना ज्ञान कर लेना पर्याप्त नहीं है, हालांकि ये ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, कम नहीं है, पर इतने मात्र से हमारी इति नहीं होती है। किस प्रकार से सम्यक दर्शन होता है और मैं जीवन में क्या करूं, कैसा पुरुषार्थ करूं जिससे मुझको ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त हो, तो काल लब्धि, तो काल लब्धि तीन चीज है। एक तो जब जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, पांच परावर्तन होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, है ना, उसमें पुद्गल परावर्तन काल जो होता है, तो एक पुद्गल परावर्तन होता है उसमें बहुत समय लगता है, उसी प्रकार से एक अर्ध पुद्गल परावर्तन में जितना काल रहता है उतना समय जीव का संसार अर्थात कर्मों की स्थिति इतनी ही बाकी रह गई, उसको कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, अर्थात जीव का संसार में भ्रमण का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल रह जाना, यह काल लब्धि का एक भेद है ना। दूसरा भेद कर्मों का स्थिति बंध और सत्व बंध। देखो कर्मों का बंध तीन प्रकार से होता है, उत्कृष्ट बंध, जगन्य बंध और मध्यम बंध, है ना, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, चार प्रकार का बंध होता है, उसमें से स्थिति और अनुभाग कल भी हमने बताया था, स्थिति अर्थात कर्मों का टाइम पीरियड और अनुभाग अर्थात उसकी फल देने की शक्ति पावर,
तो उन जीव के लिए कर्मों का स्थिति और अनुभाग बंधना मध्यम रह जाए, न उत्कृष्ट बंध हो न जघन्य बंध हो, वह स्थिति भी काल लब्धि। दो तीसरी है, तीसरी काल लब्धि है संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होना, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होना, भव्य होना, गर्भज होना, अर्थात जिसने गर्भ से जन्म लिया वैसा तिर्यंचिया मनुष्य है ना, गर्भज होना। पहली बार जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, काल लब्धि जब आती है उसको, है ना, तो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक गर्भज और जागरूक होना, सोते हुए नहीं होना, जागृत अवस्था में होना चाहिए, और साकार उपयोग मतलब उसका उपयोग ज्ञान की ओर होना चाहिए, ज्ञानोपयोग से सही साकार उपयोग से सही होना चाहिए, यह होती है तीसरी काल लब्धि। फिर से रिपीट, जब जीव के यह हमको दिखाई नहीं देता है कर्मों में, यह जीव की जब अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण मात्र संसार स्थिति रह गई और उसमें भी उसका जो कर्मों का बंध है स्थिति और अनुभाग बंध है वह मध्यम रूप में बंद हो रहा है, ना तो उत्कृष्ट बंद हो रहा है ना जघन्य बंद हो रहा है। दो तीसरा, वह संगी हो पंचेंद्री हो पर्याप्तक हो गर्भज हो, है ना, और साकार उपयोग से सहित हो और जागरूक और सोया हुआ नहीं हो, इतनी कंडीशन है, इसको बोलते हैं काल लब्धि सम्यक दर्शन के, है ना। तो देखो अपने पास क्या क्या है, अब ये सोचने का विषय है, अपने पास क्या क्या है, क्या हम संगी पंचेंद्री पर्याप्तक नहीं है, है? क्या हमको गर्भ से जन्म नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, अभी हम जागरूक हैं या नहीं है, सोए हुए भी नहीं है जागरूक है, और तीसरा साकार उपयोग, अभी हमारा उपयोग ज्ञान की ओर है कि नहीं है, है? तो मतलब एक काल लब्धि तो अपने पास आ गई है ना। फिर देखो अब दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, कि उत्कृष्ट स्थिति बंद भी नहीं होना और जघन्य स्थिति बंद भी नहीं होना, है ना, तो जघन्य स्थिति बंद तो सबसे ऊपर के गुणस्थान में होता है, अपना वो गुणस्थान भी नहीं है, तो एक कंडीशन तो गई, उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं होना, तीव्र संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है ना, क्या आपके अभी तीव्र संक्लेश परिणाम चल रहे हैं, आप तीव्र क्रोध करते हैं दिन भर, तीव्र मान करते हैं, तीव्र माया करते हैं, तीव्र लोभ करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब आपका स्थिति बंद क्या चल रहा है, मध्यम, मतलब दूसरी काल लब्धि भी आपके पास है ना, और जब ऐसी काल लब्धि है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी निश्चित आपकी स्थिति बची होगी, इससे ज्यादा आपका संसार नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जिसका दीर्घ संसार है उसके ऐसे परिणाम होना मुश्किल है, धर्म की ओर रुचि होना, जिनवाणी सुनने की रुचि होना, देव दर्शन की रुचि होना, गुरु के प्रति श्रद्धा होना, स्वाध्याय की रुचि होना, आपकी रुचि है या नहीं है, तो ये काल लब्धि तो आपके हाथ में है, काल लब्धि तो आपकी आ चुकी है, फिर अब क्या करना है, यह तो सब हो चुका है, अब तो पुरुषार्थ, अब जो तत्व का स्वरूप हम समझ रहे हैं उसका चिंतन करना, मनन करना, 2 मिनट 5 मिनट ध्यान से बैठना, ये दिन रात की क्रियाएं जो चर्या है तो हमारी चलती रहती है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, खाना पीना मजा करना मस्ती करना, तेरा मेरा इससे फोन से बात की, इससे व्हाट्सएप चैटिंग की, ये तो सब चलने वाला है, इन सब में भी थोड़ा सा समय 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अंदर से रुचि जागृत करना, कि अरे मैंने सम्यक दर्शन का स्वरूप प्राप्त समझा है, मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ये विश्वास होना, सबसे पहले अपने अंदर आत्म दृढ़ता विश्वास होना कि हाँ मैं भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, पहली बात तो ये भावना करना कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, फिर भी नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि बहुत कम है, फिर भी अगर लगता है कि सम्यक दर्शन नहीं है तो मुझको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और मैं कर सकता हूँ, जब अंदर ये विश्वास जागृत होगा तो ये काल लब्धि आपके लिए कार्यकारी होगी। फिर क्या करना, शांत चित्त होना, अपनी कषायों को कम करना, तेरा मेरा राग द्वेष कम करके शांत चित्त हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर बैठिए, चिंतन कीजिए भगवान कैसे हैं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, यह जो बाह्य वस्तु दिखाई दे रही है ये मैं हूँ, ये नाक ये आंख ये कान ये इंद्रियां ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, नहीं, शरीर अलग वस्तु है और आत्मा अलग वस्तु है, ये जो अनादिकाल से जीता था जीता है और जीता रहेगा वह आत्मा है, यह पुद्गल तो नश्वर है, यह तो मिट्टी में मिल जाने वाला है, जब ऐसा साकार चिंतन करेंगे, तत्व जिज्ञासा जागृत करेंगे, भेद विज्ञान जागृत करेंगे, ये जो आपकी मुट्ठी में काल लगती आई है
वह आपके लिए सदुपयोग रूप में आ जाएगी, अवसर चूकना नहीं है। जैन कुल, मनुष्य, पर्याय, धर्म, संत, समागम और ये काल लब्धि, इतना सब कुछ आपके पास आ चुका है। अब अपने को अवसर चूकना नहीं है, पुरुषार्थ करना है, तत्व चिंतन में उपयोग लगाना है, तो यह अपना स्वाध्याय करना सार्थक हो जाएगा। हाँ, हैंड रेस किया है संध्या दीदी ने, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए पहले। हाँ नमस्ते मुनिष्ठी, अभी आपने काल लब्धि के विषय में कहा कि सब कुछ संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, जो अपनी योग्यता होनी चाहिए वो सभी है, फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं काल लब्धि आएगी तब सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा इसका मतलब तो भाग्य की बात हो जाती है, तो मिथ्या मान्यता है। काल लब्धि जब हो जाएगा हमको क्या करना है, तो सिर्फ एकांतवाद है, भाग्य भरोसे बैठना है, पुरुषार्थ कुछ नहीं करना है। जबकि लौकिक सब क्रियाओं में पुरुषार्थ करते हैं, रोटी की थाली सामने आई या बैठे रहो, जब रोटी की इच्छा होगी उठ के मुंह में काल लब्धि आएगी तो मुंह में ग्रास आ जाएगा, पर वहां तो पुरुषार्थ करते हैं, उठाते भी हैं, स्वाद भी लेते हैं, चरवण भी करते हैं, अंदर रस भी लेते हैं, लौकिक क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हैं, लौकिक क्षेत्र में सब पुरुषार्थ करते हैं, किंतु अपनी आत्मा के क्षेत्र में पुरुषार्थहीन होकर भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। लड़की की शादी करना है तो उसके लिए, अरे जब उसकी काल लब्धि आएगी, लड़का मिलेगा और हो जाएगी, तुम क्यों पुरुषार्थ करते हो? तब तो नहीं, मेरी लड़की बड़ी हो गई है, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, फलाने मंदिर में भी जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, कुंडली मिलाएंगे, रिश्तेदारी मिलाएंगे, कितना सारा काम करेंगे, उसके बाद शादी के लिए मंडप, तो आदि आदि कितना पुरुषार्थ करते हैं। क्या इतना पुरुषार्थ कभी आत्मा के लिए किया? वहां तो इतना सारा अरेंज करना पड़ रहा है, और यहाँ तो सब काल लब्धि हाथ में आई है, फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो काल लब्धि मात्र भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं होती है, पुरुषार्थ से, मतलब दोनों सिक्के के दोनों पहलू है, भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य आपके पास आ चुका है, पुरुषार्थ आपको करना है। तो जो मात्र बोलते हैं काल लब्धि आएगी, जो हो जाएगा, तो सिर्फ भाग्यवादी लोग हैं, एकांतवादी लोग हैं। ठीक है जी, जी जी। हाँ, तो हमको आज, वैसे मैं सोचकर आया था कि आज चारित्र जो सूत्र का दूसरा पार्ट है, उपशमिक चारित्र, उसकी चर्चा करना है, पर बीच में ये विषय निकल गया और अपना समय पूरा होने आया है, तो आज का विषय, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कठिन लग रहा हो, तो आप वैसी सूचना कीजिए, तो हम इसको और हल्का करके कम विषय लेकर ज्यादा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और अगर समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो निश्चित एक दूसरे से चर्चा कीजिए, उसको ये विषय बताइए, क्योंकि एक सम्यक दृष्टि जीव को जब धर्म में रुचि होती और आनंद आता है, तो अपने सहधर्मी को, दूसरे व्यक्ति को भी सम्यक दृष्टि बनाने के लिए प्रेरणा देता है, धर्म मार्ग पर लगाता है। तो हमारा उद्देश्य तो इतना ही है कि आप वस्तु स्वरूप को समझें, कर्म की व्यवस्था को समझें, और फिर अपने परिणामों को, कषायों को निर्मल करते हुए, शांत बनाते हुए, सम्यक दर्शन की भूमिका में आगे बढ़े, तो सबका कल्याण हो, भला हो, है ना। हैंड रेज हुआ है, किसी का कोई प्रश्न है पूछ लीजिए। दो हैंड रेज थे, एक और संध्या दीदी के अलावा एक और कोई है, वो भी पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते, बोलिएगा गुरुदेव। मैं यूं कह रही थी कि थोड़ा टाइम और पढ़ा हो, आधा घंटा और भी पढ़ा सकते हो आप अभी तो। नहीं, हमारी दूसरी क्लास है, इसके बाद धौला जी की आठवीं पुस्तक चल रही है, क्योंकि 15 मिनट हो जाते हैं सर बैठते बैठते। भोजन इतना ही करना चाहिए जितना हम पचा सके, है ना। तो आप अभी जितना ग्रहण कर रहे हैं उसको पर्याप्त रूप से चिंतन मनन करिए, कॉपी में नोट करिए, बार बार उसको पढ़िए, दूसरों को बताइए, तो यह भी पर्याप्त होगा, है ना। और बहुत सारे लोग क्लास में हैं, और भी लोगों को दूसरी क्लासेस भी अटेंड करना होती है, तो अपने लिए समय इतना ही पर्याप्त है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आज की क्लास इतना ही, सभी के लिए आशीर्वाद। गुरुदेव, मैं यूं एक बार यूं कह रही थी कि अपन ये अध्याय तत्वार्थ सूत्र का अध्याय का वाचन करते हैं तो पूरा 10 अध्याय पूरे करने होते हैं, या एक अध्याय भी अपन पढ़ सकते हैं? हमारा तो ये कहना है कि शुद्ध उच्चारण शुद्धि पूर्वक पढ़िए, आपके पास समय नहीं है तो आकुलता मत करिए, एक अध्याय पढ़िए, समय हो तो सब अध्याय पढ़िए, पर शुद्धता पूर्वक पढ़िए, जल्दी जल्दी उसको, मतलब टाइम पास, मतलब पूरा करना है, ऐसा करके मत पढ़िए। नहीं गुरुदेव, कोई हमको, हम छोटे थे तब हमको कहता कि
जब भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तो दसों अध्याय पूरे पढ़ने जरूरी है, उसको बाद में बीच में छोड़ नहीं सकते, ऐसा सुना है। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ गुरुदेव, क्या अपन एक भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं? अब मेरी बात सुनिए, पहले आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने आपको संस्कारवान बनाने के लिए ऐसी प्रेरणा दी कि ताकि आपको दसों अध्याय का पाठ हो जाए, वरना आप एक में ही इति कर लेते। किंतु अब आप समझदार हो चुके हैं, तो आप दसों पढ़े तो सबसे अच्छा है, पढ़ना तो दस ही चाहिए, तो पूरे एक उपवास का फल मिलता है। एक दिन में दस अध्याय रुचि पूर्वक, श्रद्धा से अर्थ और व्यंजन की शुद्धि पूर्वक, उच्चारण शुद्धि पूर्वक पढ़ते हैं तो एक उपवास का फल मिलता है। तो उपवास के फल के महत्व को समझकर हमारे पूर्वज बोलते थे दसों अध्याय का पाठ करो, पर आपके पास समय नहीं और आप जल्दी जल्दी में अशुद्ध उच्चारण आपका बन नहीं है, सही की अपेक्षा एक अध्याय भी पढ़ा तो चलेगा, दस दिन में एक एक अध्याय भी पढ़े तो चलेगा। हाँ, आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते मनीष जी। वो चार्ट मैंने है ना ग्रुप में डाला है, जो कल आप उदेश उपशम शैवशम वाला, सभी की जानकारी के लिए बोल रही हूँ कि ये चार्ट आपके, आप सभी अगर उतारना चाहे तो आपकी नोटबुक में उतार ले, मैंने ग्रुप में डाला है फोटो खींच करके। बहुत अच्छी बात है, आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। आइए, आज का अर्घ कौन चढ़ाएंगे? मैं ही चढ़ा रही हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज संध्या दीदी यहाँ पर अर्घावतरण करने वाली है, तो संध्या दीदी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद मैसेज आया, वो देख लो। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया, दिव्य देश नाम की माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीम श्री जिन भगव सरस्वती वाग्वादिनी रत्मानियोग कर्णानियोग चरणानियोग द्रव्यानियोग पिनमा जलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हमारी संध्या दीदी भी बड़े रुचि से स्वाध्याय में भाग लेती है, लोगों को प्रेरणा प्रोत्साहन देती है, टीचर है, स्कूल में ड्यूटी होती है, उसके बाद भी अपना समय निकाल कर स्वयं पढ़ना, बाद में होमवर्क करना आदि सब क्रियाओं में तत्पर रहती है और सभी को प्रोत्साहित करती रहती है। यह रुचि उनकी बहुत अच्छी है और यह ज्ञानावरणी की ज्ञान के प्रति जो उनकी जिज्ञासा रुचि है, वह इनके लिए केवल ज्ञान में समय केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बने और उनकी भावनाएं पूर्ण हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद। कनकर चित का थाली से जाकर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे दो गुरुवर छुट जाए, भव बंधन से रत्न त्रय निधि पाने हैं, तू श्री फलित द्रव्य सजाया है, शेष चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है, नित नित शीश झुकाया है। ओम निश परम पूज्य मनीष्री शेष गुप्त जी मनिरा चरण भ्यो अनर्गुत प्राप्त है अर्घ्यम निरपाम ते स्वाहा। आशीर्वाद।